नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब सिर्फ 14 दिन में बन जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार ने आसान की आवेदन प्रक्रिया। ग्रेटर नोएडा में हुआ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया शुभारंभ। मेरठ में चीनी मिल के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, छापेमारी में हुए कई बड़े खुलासे। खेत में नलकूप लगाने के लिए किसानों को मिलेगी सब्सिडी, आवेदन कर लाभ उठाएं किसान। एक बार फिर सड़क पर फिकने लगा टमाटर, एक महीने में धड़ाम से नीचे गिरी कीमतें। सरकार की ओर से किसानों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को और आसान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा पहले से संचालित की जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किसानों के लिए और आसान बनाने की पहल की गई है। दरअसल सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंडिया की ओर से किए गए एक ट्वीट में इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए लिखा गया है कि अब आवेदन के बाद किसानों को केवल 14 दिनों के अंदर ही बैंक की तरफ से KCC बनाकर प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं अब दस्तावेजों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी हटा दिया गया है। वहीं आवेदन प्रक्रिया को पहले की अपेक्षा अब सरल कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि KCC बनवाने के लिए जिन जरूरी दस्तावेजों की किसानों को जरूरत पड़ती है उनमें आवेदन पत्र के अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के दस्तावेज, पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा एड्रेस प्रूफ शामिल है। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आज यानी कि गुरुवार को देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया गया। इस ट्रेड शो के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश की समृद्धि की झलक दिखाई गई है। आपको बता दें कि इस आयोजन में शामिल हुए 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने अपने उत्पादों को देश और दुनिया के उद्यमियों एक्सपोर्टर्स के सामने पेश किया, जिनमें ODOP से लेकर हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स समेत कई तमाम सेक्टर्स शामिल हुए। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई विभागों द्वारा भी अपने स्टॉल्स के जरिए प्रदेश की क्षमता व विकास का रोड मैप प्रदर्शित किया गया। जरूरी बात यह है कि इस खास इंटरनेशनल ट्रेड शो में आम जनता के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। जाहिर है कि प्रदेश को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार इस आयोजन को बड़े पैमाने पर होस्ट कर रही है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड शो की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान के साथ बढ़ावा देने के लिए एक नियमित मेले के रूप में की गई है। गन्ना किसानों के सामने आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या चीनी मिलों द्वारा भुगतान ना करने पर खड़ी होती है। कई चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीदने के बाद भी महीनों महीनों तक भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके चलते गन्ना किसानों का धीरे धीरे ऐसी चीनी मिलों से भरोसा उठने लगा है। इसी कड़ी में मेरठ के किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर जल्द उनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो आगामी सीजन में वो बजाज जैसी चीनी मिलों को अपना गन्ना नहीं देंगे। जरूरी बात यह है कि किसानों की चेतावनी के बाद गन्ना विभाग और प्रशासन द्वारा चीनी मिल के गोदाम पर छापेमारी भी की गई, जहां उन्हें चीनी और शीरे की बिक्री के रिकॉर्ड में 37 करोड़ रुपए की हेरा फेरी पाई गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन द्वारा मिल प्रबंधन के निदेशक से बात करके 85% किसानों को बकाया गन्ना भुगतान करने की हिदायत दी गई है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मिल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। जाहिर है कि गन्ना पेराई सत्र 2023-24 आगामी नवंबर महीने में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जनपद की कई चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है। अक्सर समय पर फसलों की सिंचाई नहीं होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा भी किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इसी कड़ी में राज्य सरकार किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए व्यक्तिगत नलकूप लगाने पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्तिगत नलकूप लगाने से करीब 60% पानी की बचत होगी, साथ ही 25-30% उर्वरक की खपत में भी कमी आएगी, जबकि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में राज्य सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत नलकूप लगाने पर किसान को अधिकतम 40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब ऐसे किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो अनुदान लेने के लिए किसान उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। एक महीने पहले जब अगस्त में टमाटर की कीमतों में उछाल आया था, तो देश के लगभग सभी हिस्सों में टमाटर की कीमतें चर्चा का विषय बन चुकी थी। यहां तक कि सरकार द्वारा भी आम जनता को कीमतों से राहत दिलाने के लिए टमाटर की बिक्री पर सब्सिडी दी गई थी। लेकिन अब जब टमाटर की कीमतें नीचे आ गई हैं, तो एक बार फिर सरकार के लिए समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब बाजार में टमाटर की कीमत 3-10 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। हालात ये है कि कुछ राज्यों में परेशान किसान टमाटर को फेंकने या फिर पशुओं को खिलाने का इरादा तक बना चुके हैं। खासकर टमाटर की बम्पर पैदावार के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी आई है। वहीं दूसरी ओर किसानों का नुकसान घटाने के लिए सरकार अब खुद इनके टमाटर खरीदने पर विचार भी कर रही है। खबरों की माने तो सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि PSF का इस्तेमाल कर सकती है। बता दें कि इस फंड का आमतौर पर इस्तेमाल सब्जियों के बढ़ते दाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।